हेलो फ्रेंड, ज्योति की किचन में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। सिंपल तरीके से जो पुलाव बनते हैं मटर और आलू के, वो हम बनाएंगे आज। इसके लिए हमने ले लिया है ये 2.5 कप चावल। अपने परिवार के हिसाब से आप चावल ले लीजिए, जितने भी आपके परिवार में मेंबर हों उस हिसाब से आप चावल ले लीजिए। तो ये मैंने अपनी 2.5 कप चावल ले लिए हैं, और मैंने ले लिए हैं मटर और आलू। मटर मैंने थोड़ी एक कटोरी करीब मटर ले ली है, 2 आलू कट काट के ले लिया है। और तड़के के लिए हमने प्याज काट लिए है, 2 बड़े प्याज काट लिए हैं, 4 हरी मिर्च काट ली है, 2 टमाटर काट लिए हैं। अब हम इसको बनाने चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड, हमने गैस ऑन कर दी है और कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसको गर्म कर लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। देखिए, आपने बहुत तरीके के पुलाव देखे होंगे बनते हुए, अब मैं भी आपको सिंपल तरीके से पुलाव बनाना बताऊंगी। आप इस तरह से बना के भी देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा कुकर हो गया गर्म, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे भी चाहिए, कम ज़्यादा जैसे भी लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। मैं इसमें इतना तेल डालूंगी, 4 चम्मच के करीब मैं तेल डालूंगी इसमें। हमने तेल डाल लिया है, तेल हो रहा है हमारा गरम, तेल हमारा हो गया गरम। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये 1 बड़ी इलायची ले लिए, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1 चम्मच जीरा हमने ये ले लिया है, हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हरी मिर्च काट रखी है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा तड़कने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको हम भून लेंगे, हमको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, हमको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है इसे। देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज अब ऐसे हो रही है, हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो रही है अब ये। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 चम्मच अदरक घिस के डालनी है इसमें, वो 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम साथ में ही प्याज के भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज हो चुकी है, अब इतनी गोल्डन ब्राउन हो रही है अभी। अब हम इसको और करना है गोल्डन ब्राउन, और करना है हमें, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज अब हो चुकी है, इसी तरह से हमें करनी है। अब हम इसी टाइम पे हम टमाटर डाल देंगे। अब हमें टमाटर को भी भून लेना है, इसी के साथ हमें भून लेना है इसे। और हम इसी टाइम पे इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा, इसमें ये जो टमाटर है ये अच्छे से गल जाएगा और पक भी जाएगा। इसमें इसी टाइम पे हम टमाटर के साथ ही हम नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालेंगे ना, जिस हिसाब से आपके पास चावल हो और मटर आलू हो उस हिसाब से आप इसमें नमक भी ऐड करना। तो मैं इस हिसाब से डाल रही हूँ इसमें 1.5 चम्मच। देखिए फ्रेंड, टमाटर हमारा गल चुका है, अब पक चुका है। अब तो हम अभी इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले हमें क्या डालने हैं इसमें, हमें इसमें डालना है 1 चम्मच मिर्च। हम अपने स्वाद अनुसार, जैसे भी बच्चे कम खाते हों ज़्यादा खाते हों उस हिसाब से हमें मिर्च डालनी है इसमें। और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, बस यही डालेंगे कि हल्दी मिर्चें, और ये हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे इसमें। तो हम गरम मसाला, हल्दी और मिर्च हमने इसमें डाली है। अब इसके अलावा हम और कुछ नहीं डालेंगे, इसको चला देंगे ऐसे। हमें इसी के साथ भूनना है इसे। और जब हम ये सब डाल देंगे, हमें कोई पानी नहीं डालना है इसमें। इसी टाइम पर जो हमने आलू और मटर अपनी ले रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। आलू और मटर हमें मसाले के साथ ही भून लेना है। अच्छे से हम इसमें डाल के इसको चला लेंगे ताकि इसका मसाला भी भून जाए अच्छे से और आलू मटर में भी अच्छे से हो जाए। देखिए इस टाइम पर हमारी आलू मटर की सब्ज़ी लग रही है कि आलू मटर की सब्ज़ी है ये, लेकिन हम इसी में पुलाव बनाएंगे। ये देखिए, हमें इसी तरह से इसको भून लेना है थोड़ा, 5 मिनट तक हमें इसको इस तरह से भूनना है। देखिए फ्रेंड, मैंने चावल धो लिया है, 5-6 पानी से मैंने चावल धो लिया है अच्छे से साफ से, और हम इसमें डालने के तैयार हैं।
देखिए मसाला मेरा भुन गया है खूब अच्छे से, मसाला हमारा भुन चुका है। ये देखिए आलू और मटर सब में एकदम रम गए हैं अच्छे से। अब हम इसी टाइम पे इसमें चावल डालेंगे। चावल हमने धो लिया है ना चार पाँच छः पानी से, तो हम इसमें अब चावल डालेंगे। देखिए इस तरह से हमें मिला देना है चावलों के साथ, एकदम इस तरह से हम मिला देंगे चावलों को। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, मैं इसमें दो गिलास मैंने पानी डाल दिया है। देखिए इसका इस तरह से कलर आ रहा है, ये देखिए मैंने इसमें दो गिलास पानी डाल के अब मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करने जा रही हूँ। और अब दिखाएंगे आपको, जब ये बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। अब हम इसे कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हमें इसमें लगा रही हैं दो सीटी, दो सीटी में हमारा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। पाँच मिनट बाद हमारा प्रेशर एकदम ख़त्म हो चुका है इसमें। अब हम इसे खोल के देखते हैं हमारे पुलाव कैसे बने हैं। वाव, देखिए क्या कलर आया है और कितना अच्छा लग रहा है। हम इसको चला देते हैं एक बार, नीचे से ऊपर तक ऐसे एकदम चला देना है। बहुत ही अच्छा बना है। देखिए फ्रेंड हमारा पुलाव बनके रेडी हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आया है, कलर भी आया है इसमें और देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए आप इस तरह से बना के देखिए एक बार, मैंने बहुत तरह के पुलाव बनाए होंगे लेकिन इस तरह से एक बार बना के देखिए, देखिए वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ऐसे। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।